Good morning guys, welcome to my first vlog. सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जॉगिंग पे. तो गाइस मैं आ चुका हूँ जॉगिंग करने के लिए. अभी यहाँ पे अभी भी अंधेरा हो रहा है, यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जले हुए हैं. मैं अभी जॉगिंग करता हूँ. सारे सो रहे थे, कोई मेरे साथ आया नहीं है. गाइस तो हमने जॉगिंग कर ली. पहले मैं छोटी जगह में जॉगिंग कर रहा था, अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ. तो अभी हम बड़ी जगह में जा रहे हैं, थोड़ा आगे तक जा रहे हैं घूमने के लिए. ये देख लीजिएगा, हम इससे भी आगे जाएंगे आज. पहले मैं छोटी जगह में ही कर रहा था. मैं बोल रहा था, मैं सोचता हूँ चलो थोड़ी और बड़ी जगह चलते हैं, पर छोटी जगह में जॉगिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा. वैसे आज तो मेरे साथ कोई नहीं आया जॉगिंग करने. कल मेरे साथ सागर को मैं बुला लूँगा, कल वो आएगा मेरे साथ घूमने के लिए. तो अभी हम चलते हैं. तो गाइस मैं आगे आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू. यहाँ आ गया गाइस, ये देखिए यहाँ पे हमारा दूध मिलता है सुबह सुबह. ये हमारा दूध का डिपो है. तो गाइस मैं और आगे जा रहा हूँ, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है. देख मैं जॉगिंग करने के और आगे चलते, चलो जॉगिंग करते करते चलते. वैसे गाइस आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैं जॉगिंग पर भी पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि पूरी सर्दी में मैं जॉगिंग पर नहीं आया था, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही थी. समर आने वाला है तो इस बारे में जॉगिंग पे आगे. आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन कौन सर्दी में जॉगिंग जाना है पसंद नहीं करते. भाई मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा. तो भाई मैं घूमते घूमते और आगे आ गया. ये देखिए आप, मैं इतना आगे आ गया हूँ घूमने के लिए. ये देखो, ये हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन है जो अभी हाल ही में ही बना है. ये हमारे यहाँ पे न्यू बना है मेट्रो. और यहाँ पे सुबह घूमने आकर यहाँ का व्यू भी अच्छा है. ये घूमने के लिए भी अच्छी जगह है. यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं घूमने के लिए भी आते हैं, टहलने के लिए भी आते हैं. आज मैं भी आ गया हूँ, मैं पहले भी आ रखा हूँ यहाँ पे. पर देखिए अब यहाँ पे हम घूमते हैं. तो गाइस मैं आज घूम के आया था, तो मम्मी ने मटर छीलने को दे दिया मेरे को. सुबह सुबह काम बता दिया. मम्मी कह रही चाय पी ले, मैंने कही अभी मेरा मन नहीं कर रहा, तो मम्मी गई तो मटर छील. मम्मी जब भी काम पकड़ा दे मेरा. मम्मी हाय करना. हाय. मम्मी ने भाई गाइस मेरे को मटर छीलने का काम दे दिया. मैंने छील लिया है सारी मटर. अभी देखो और छील लिया मेरे को. तो गाइस मैं छीलता हूँ मटर. तो गाइस
मैं बाइक बाहर निकालने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दीदी को छोड़ने जाना है। रात को बारिश आई थी तो बाइक बहुत गंदी भी हो गई थी, देखो बहुत गंदी हो गई है। चलो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो गाइस अब मेरा खाना खाने का टाइम है, देख सकते हैं खाना। ये कल की पनीर की सब्जी है और ये आज की छोले की सब्जी है, थोड़ा घी है रोटी के साथ घी, इसको खाते हैं। टीवी देखते हुए खा रहा था पर केबल चला गया, अब मजा नहीं आएगा केबल चला गया। तो गाइस हमारा स्पीकर खराब हो गया था तो इसको मैंने उतारा है यहाँ से, चल नहीं रहा है तो मैं इसको मैकेनिक के दिखाने आने वाला, मैं इसको दुकान पे ले जाता हूँ ठीक कराने के लिए। ये बहुत ख़राब हो चुका है, ये घर घर आवाज़ करने लगा है, ये कट्टी भी नहीं चल रहा, कट्टी भी जैसा चल रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी कम आवाज़ आ रही है। ये छोड़ू आ गया मुँह धो के, ले कर ये जाता था हर बार पर ये ले कर नहीं जा रहा इस बार, तो इस बार मैं ले कर जा रहा हूँ। गाइस मैं आ गया लेके हीरे दुकान, स्पीकर ठीक हो गया है, इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ गया था, इसकी कंडीशन अब एकदम बढ़िया हो गई है और अभी एकदम बढ़िया आवाज़ दे रहा है। आज जा रहा हूँ सागर के पास क्योंकि मैं कल गया नहीं था, आज सुबह से भी नहीं गया था, इसलिए मैं चलता हूँ। भाई टार्जन भाई एकदम आ गए थे घुमाने के लिए, मैं तो बस सागर के पास बाहर ही आया था, और मैं शूट तो नहीं कर पाया पर मैं कुछ क्लिप लगा दूंगा अपने एंजॉयमेंट की। हम गाड़ी में दूर तक घूमने गए, टार्जन भाई का पेट्रोल भरवाने गैस भरवाने गए थे, खूब मज़े मार के आए। और इसी बात पे अब मेरा ब्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म, तो गुड नाइट लाइट।